अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इट्स रोशन्स नोटबुक। तो गाइस, आज की हमारी रेसिपी है फ्राइड राइस विथ रायता। बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। चलिए जी गाइस, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में ऑयल अच्छे तरीके से गर्म करना है, उसके बाद प्याज डालते रहना है आप लोगों ने, प्याज ऐड करना है उसमें। प्याज जो है वो आप लोगों ने एक बड़ी अदद की ले लेनी है और उसे लाइट गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करते रहना है बिल्कुल। चम्मच आप लोगों ने हिलाते रहना है ताकि प्याज अच्छे तरीके से सुनहरी हो जाए। प्याज को बिल्कुल आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम को करेंगे तो प्याज हमारी जल सकती है। उसके बाद जी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक। इसको भी मिक्स करने के बाद आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये भी प्याज के साथ सौते हो जाए, देख सकते हैं। उसके बाद जी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अंडा, क्योंकि फ्राइड राइस में अंडे भी होते हैं, ऐड होते हैं और अंडे से टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। अंडे यहाँ पर मैंने 2 लिए थे, 1 अंडा डाल चुकी हूँ, अब दूसरा डाल रही हूँ मैं। अंडे डालने के बाद भी आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि अंडे भी प्याज अदरक और लहसुन के साथ फ्राई हो जाए। देख सकते हैं अंडे कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। मिक्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से करते रहना है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया बंद गोभी और गाजर, वो भी इन्हीं चीज़ों में मिक्स कर लेनी है आप लोगों ने अच्छे तरीके से। देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। और दूसरी तरफ जी गाइस, मैंने ऐड यहाँ पर जो है चढ़ा दिया है पानी बॉयल होने के लिए और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया ताकि दूसरी तरफ हमारे चावल जो है वो बॉयल हो सकें जी। फ्राई की हुई चीज़ों में अब यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चों के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि शिमला मिर्चें भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। देख सकते हैं कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, जीरा पाउडर, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। उसके बाद लास्ट में धनिया पाउडर। इन सबको डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मिक्स कर लेना है इसको। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहें तो छोटे डाल सकते हैं इसमें कटिंग करके, लेकिन मैंने बड़े डाले क्योंकि इसको गलने में टाइम लगेगा तो वो भी इसके साथ गल जाएंगे बिल्कुल। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। टमाटर अपना पानी खुद ब खुद छोड़ देगा। उसके बाद मैं सब्जियों को थोड़ा सा गलाने के लिए सिरका यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 1 टेबल स्पून। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद भी आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो ये पेस्ट है, मिक्सचर है जो हम फ्राई कर रहे हैं, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और टेस्ट अच्छा सा आ जाए इसमें। इसको लो फ्लेम पे आप लोगों ने पकाना है और यहाँ पर अब मैंने इसको ढक दिया है। ये आराम से देख लें, ये फ्लेम इतना रखना है। दूसरी तरफ जो हमारे चावल हैं वो बॉयल होने लगे हैं। चावल को आप लोगों ने फुली बॉयल कर लेना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने रायते के लिए चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। काली मिर्चें मैंने ले ली हैं 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और नमक यहाँ पे ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि फ्राइड राइस के साथ जो है वो रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। अगर आप लोग भी रायता यूज़ कर सकते हैं तो रायता ऐड कर लें, वरना सैलड भी इसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है। देख सकते हैं चावल बॉयल हो चुके हैं हमारे यहाँ पर, और मैं जो सब्जियाँ थी हमारी उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी और लास्ट में इसको मैं मिक्स कर दूंगी। देख सकते हैं सब्जियाँ हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं और कितनी फ्रेश लग रही हैं। अगर आपको मिर्ची मसाले ज़्यादा पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये हमारे फ्राइड राइस विद रायता तैयार हो चुके हैं। इट्स सो यमी। अगर गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।